हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिज लोड टेस्ट के बारे में। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि ब्रिज लोड टेस्ट होता क्या है, हम इसको क्यों करते हैं और हम इसको कैसे करते हैं। तो यार, ब्रिज लोड टेस्ट जो होता है वो बेसिकली इसलिए किया जाता है कि ब्रिज की कैपेसिटी को देखने के लिए कि जिस लोड के लिए ब्रिज डिज़ाइन हुआ है तो क्या वो उतना लोड बियर कर पा रहा है, क्या वो उतने लोड हम जब उस पर सब्जेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो कोई क्रैक्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, ब्रिज कैसे रिएक्ट कर रही है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि हम इसको करते कैसे हैं। सो एज आई हैव डन दिस टेस्ट माई सेल्फ, सो आई एम गोइंग टू गाइड यू स्टेप बाई स्टेप टू द प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल लास्ट। सो सबसे पहले कोई भी टेस्ट स्टार्ट होने से पहले एक ड्राइंग बनाई जाती है ब्रिज लोड टेस्ट की, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। अब ड्राइंग आपको मिल गई, इसमें आपको सारे पॉइंट्स दिए होंगे जहाँ जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन नोट करना होगा। और इसमें अगर गर्डर वाली ब्रिज है तो आपको ये भी दिया होगा कि कौन सा क्रिटिकल गर्डर है, क्रिटिकल गर्डर इन द सेंस किस पे मैक्सिमम लोड आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको व्हीकल्स की लोकेशंस दी होंगी कि किस तरीके से व्हीकल को अरेंज करना है ब्रिज पे, खड़ा किस तरीके से करना ताकि लोड पूरी तरह से डिवाइडेड व्हीकल पे आए, मतलब ब्रिज पे आए, और किस किस पॉइंट पे कौन कितना कितना मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन आएगा। अब ड्राइंग में आपको बताया जाएगा कि अगर गर्डर वाला ब्रिज है तो उसमें बताएंगे कौन सा क्रिटिकल गर्डर है और कितने कितने डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स ली जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको ड्राइंग में मेंशन होगी। अगर वो उस ब्रिज में गर्डर नहीं है तो वो डेक वाली है, और डेक में पॉइंट्स के लोकेशंस क्या होंगे, ये चीज़ भी आपको दी गई होगी ड्राइंग में, ठीक है। अब ये तो हो गई ड्राइंग की बात, अब आते हैं टेस्ट पे। तो टेस्ट बेसिकली 4 दिन का होता है। पहला दिन हम होता है 24 घंटे हम लेते हैं टेम्परेचर करेक्शन इन द सेंस कि हम 24 घंटे तक हर घंटे रीडिंग लेंगे डिफ्लेक्शन की। अच्छा, डिफ्लेक्शन लेने के लिए हम कई तरीके का मतलब कई चीज़ों से ले सकते हैं डिफ्लेक्शन, जैसा कि IRC SP51 में लिखा हुआ है। हम या तो LVDT से ले सकते हैं डिफ्लेक्शन नोट कर सकते हैं, या फिर हम डायल गेज से ले सकते हैं, या फिर हम TS से डिफ्लेक्शन नोट कर सकते हैं। इसके बाद से होती है लोडिंग। लोडिंग क्या होती है, लोडिंग स्टेप वाइज होती है। अगर मैं स्टैंडर्ड लोडिंग की बात करूँ तो वो होती है 50% पहले, फिर 75%, फिर 90%, फिर 100%, ऐसा IRC में लिखा है। पहले आपने 25% चलाया मान लो, फिर 50% चढ़ाया, फिर 75 चढ़ाया, फिर 100 चढ़ाया। अब ये 4 घंटे आपने किया और हर घंटे पे आपने रीडिंग ली। उसके बाद से आप 100% रीडिंग लेने के बाद से फिर 24 घंटे तक नेक्स्ट 24 घंटे तक व्हीकल वहीं खड़ी रहेगी पूरे लोडिंग के साथ 100%, और वो हर घंटे रीडिंग ली जाएगी नेक्स्ट 24 आवर्स तक। के बाद से लोडिंग की जब लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे 24 आवर्स होते हैं 100% लोडिंग के, हम अनलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और अनलोडिंग भी उसी सीक्वेंस में होता है जिस सीक्वेंस में लोडिंग हुई है। मतलब जैसे आपने लोडिंग कराई है उसी के अपोजिट में आपको अनलोडिंग करानी है, ठीक है। और जैसे कि अनलोडिंग पूरी तरह से हो जाती है, जैसे पूरे व्हीकल्स हट जाते हैं ब्रिज से, उसके बाद से आप नेक्स्ट 24 आवर्स तक आप रीडिंग लेंगे हर घंटे, और वो चीज़ आपका रिकवरी बताएगा कि जितना टोटल डिफ्लेक्शन आया लोडिंग के दौरान, जैसे 100% जो आपने लोडिंग करी उसके 24 घंटे तक आखिरी रीडिंग तक जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया वो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद से आप जब अनलोड करते हैं तो वो ब्रिज वापस ऊपर अपने पोजिशन पर जाता है, और वो जो रिकवर होती है डिफ्लेक्शन उसी को रिकवरी बोलते हैं। तो रिकवरी का फॉर्मूला होता है R3 - R5 / R3 - R1 × 100, जिसमें R3, R1, R5 क्या चीज़ है ये आपको IRC में मिल जाएगी। अब ये हो गया आपका रिकवरी परसेंटेज से निकल जाएगा आपका। तो अब हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 24 घंटे तक बिना लोड के हमने बस टेम्परेचर देखा कि किस टेम्परेचर पे ब्रिज सेल्फ वेट की वजह से कितना डिफ्लेक्ट कर रही है। ये हो गया हमारी 24 घंटे की रीडिंग, ठीक है, जो कि एक दिन चलेगा टेस्ट। उसके बाद हम करते हैं लोडिंग। लोडिंग में हम करते हैं स्टेप वाइज लोडिंग। आप जैसे ड्राइंग में दिया होगा उस हिसाब से आप स्टेप वाइज लोडिंग करेंगे। फिर लोडिंग कंप्लीट होने के बाद 24 घंटे तक आप हर घंटे रीडिंग लेंगे। ये हो गया दूसरे दिन का काम। तीसरे दिन आप क्या करते हैं, अनलोडिंग कराते हैं। अनलोडिंग में आप क्या करते हैं कि जिस सिक्वेंस से आपने व्हीकल को लोड कराया है उसी के अपोजिट सिक्वेंस से आपने उसको अनलोड कराया, और अनलोडिंग होने के कंप्लीट होने के बाद आपने फिर 24 घंटे तक उसकी रीडिंग ली है, और 24 घंटे तक लास्ट रीडिंग ली है। इससे आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। रिकवरी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपसे बता दिया है, R3 - R5 / R3 - R1 × 100।
और डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा कि लोडिंग की जो लास्ट रीडिंग है माइनस लास्ट रीडिंग ऑफ बिफोर टेस्ट। ये जो मैं आपको डिफ्लेक्शन बता रहा हूँ ये है विदाउट टेम्परेचर करेक्शन। अब इसमें टेम्परेचर करेक्शंस होते हैं फिर रीडिंग आती है और इसमें आगे प्रोसीजर होते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा ब्रिज लोड टेस्ट। ये प्रोसीजर्स थे जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गया आपका पूरा टेस्ट। सो इफ़ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।